आज भी कुछ नए साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हाँ जी, सुनील बैठे हैं और ये हमारे सोनू भाई साहब जी, नीलम जी, हरी राम साहब। हाँ जी, सोनू भाई साहब आना। सोनू भाई साहब वार्ड नंबर 9। मैंने भी आज से सोच लिया, ऐसे कोई छोड़ने वाला नहीं। चेतन भाई को 5 दिन हो गए, इसलिए मैंने भी यही किया है, मैं भी भूख हड़ताल पर। अच्छा, मतलब आप एक दिवस से नहीं आए निश्चितकालीन? हाँ, शहर में जिस दिन विकास कार्य चालू हो जाएगा उस दिन मैं अपना विकास कार्य है। शहर का जो विकास कार्य है, जैसे कहीं काम चालू हो गया, इन्होंने रोड का कोई काम चालू कर दिया, जैसे कोई टेंडर, नया टेंडर लगा दिया, काम स्टार्ट हो जाएंगे उस दिन। कूड़ा उठाने वाला जिंदगी इतना तो बंद है, उसकी वजह से पब्लिक बड़ी परेशान हो रही है। परेशान हो रहे हैं जी सारे शहरवासी। अब रोड इतना बुरा हाल हो गया सारे शहर का, ना कूड़ा उठता है ना, बहुत परेशान है। देखिए, आज जैसे नगर पालिका के समर्थन में, हाउस के समर्थन में, सभी व्यापारीगण, पूरे शहरवासियों ने एकजुट होकर एक मत से ये निर्णय लिया कि 4 तारीख को अधिकारियों की मनमानी और जिनकी काम न करने की नीति और सरकार के जिन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने के विरोध में 4 तारीख को संपूर्ण शहर बंद रहेगा। और इसके लिए मैं सभी व्यापारीगण, समाजसेवी लोग और जो भी यहाँ उपस्थित है, और स्पेशली मैं आप सब मीडियाकर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग भी इस धरने को लेकर पूरी कवरेज और पूरा समर्थन आप जिस तरह दे रहे हैं उसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। क्या सभी सामाजिक संगठनों ने और व्यापारिक संगठनों ने आपको समर्थन दिया है? जी, सभी जो भी यहाँ उपस्थित हो और सभी के फोन कॉल्स के माध्यम से हमें समर्थन मिल रहा है। किसी भी शहर का एक भी आदमी ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ये शहर से जुड़ी समस्या है, हर आदमी से परेशान, सफाई से परेशान है, सड़क से परेशान है, लाइट से परेशान है, तो हर आदमी परेशान है, तो उसको देखते हुए सभी का हमारे साथ समर्थन है। आज कुछ नए साथी भी हड़ताल पर बैठे हैं? आज हमारा एक साथी देवेंद्र सैनी वार्ड नंबर 6 पार्षद है, उसने भी आज चेतन भाई के साथ लेते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के लिए बैठ गए। आज भी पहला दिन उनका आज है, उनके साथ साथ हम सब पार्षदों ने कल, मैं भी एक दिन के लिए भूख हड़ताल में था और बाकी सभी जो पार्षदगण हैं, आज सुनील दायल जी और हमारे पार्षद प्रतिनिधि रन्याम खंडा भी एक दिन के भूख हड़ताल पर। आगे हमारा एक एक जो भी साथी पार्षद हो रहे हैं, एक एक दिन एक दिवस वो भी रहेंगे। क्या लगता है काम क्यों नहीं हो पा रहा? अधिकारियों की मनमानी बता रहा हूँ, सरकार का इन पर कंट्रोल नहीं। अगर अधिकारी काम करने लग जाए तो आप धरना नहीं? अधिकारी हमें तो जो शहर के काम हमने को लिस्ट की हुई है, सरकार तक भी पहुँचाई हुई है, हमने DMC को दी हुई है, उन पे काम शुरू हो जाए, मैं खत्म करता हूँ। 4 तारीख को क्या होगा, बंद तो हो जाएगा, उसके बाद कहाँ इकट्ठा होंगे आप? यहीं रहेंगे और... हम यहाँ धरना स्थल पर ही पूरे शहरवासी यहाँ इकट्ठा होंगे और आगे की रणनीति पर भी विचार के, जो भी रणनीति या बनाई उस पर हम पूरा हाउस मिलकर, शहरवासी मिलकर आगे कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं 29 जुलाई से अनिश्चितकालीन ये धरना चला हुआ है और यहाँ पर जो धरने पर बैठे हुए हैं, जो चेतन यादव हैं, पार्षद हैं, और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं वो यहाँ पर लेटे हुए हैं और ये लगातार धरने पर चले हुए हैं। और आज से 2 पार्षद और धरने पर आए हैं, जो आप सामने देख रहे हैं, ये सोनू सैनी हैं और जो दूसरे 1 नंबर वार्ड से हैं तायल, सुनील तायल हैं यहाँ पर। जी भाई साहब, आज से आप धरने पर आए हैं? एक दिवसीय धरने पर हूँ मैं, अगर सरकार नहीं चित्त की तो आगे में हम अनिश्चितकालीन धरना भी करेंगे। अनिश्चितकालीन कब तक का धरना होगा? वो तो फिर काम नहीं होंगे जब तक का होगा, तो अभी एक दिन का टारगेट दिया है। अभी जो हमारा साथी जो चेतन है वो 5 दिन से आज अनशन पर है, उसका हौसला बढ़ाने के लिए आज हमने उसका जो समर्थन में आज एक दिन का किया है, और फिर भी सरकार नहीं चेतेगी तो हम फिर उसी की तरह से
काम नहीं होने तक अनिश्चितकालीन धरना सभी पार्षद, एक नहीं सभी पार्षद धरने पर वो हड़ताल करेंगे और सरकार को जगाने का कार्य करेंगे। और जो अधिकारी काम नहीं करते, आवारा और नकारा हो गए हैं, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आया है अभी तक? नहीं, अभी कोई नहीं आया जी, अभी तक कोई प्रतिनिधि नहीं। जी जी भाई साहब, कुछ बोलना चाहेंगे? बोलने की स्थिति ना सरकार ने हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, हमारी मांगे, हमारी मांगे, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, कुंभी वैली सरकार मुर्दाबाद, प्रोफेसर रामलाल शर्मा मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, तुम भी वही सरकार, तुम भी वही सरकार, नगर पालिका पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, नगर पालिका पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार, नारायण सैनी, रामलाल शर्मा। पांच दिन से हमारे भाई अनशन पे हैं, इस अंति धैर्य सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। आज हमारा जैसे मरणोपरांत, मरणोपरांत जो मुंडन कराया जाता है, ये मुंडन उसी हमारी सरकार के खिलाफ है। हमारी तरफ से आज से वो मर गया, सरकार को मरा घोषित कर दिया, मतलब कोई काम निकले ना, सुनवाई कर रही, ना कोई सुनवाई, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई अभी तक नहीं आया सुनने के लिए, ना कोई फोन कॉल, ना कुछ, तो हमारी तरफ से वो मर चुकी। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? जी सुनील ताल। हाँ जी बोलिए जी। आज चेतन भाई ने पांच दिन तक प्रशासन की और सरकार की वेट देख बाट देख करके ये मुंडन करवाया है, और ये आज सबसे ज्यादा व्यथित है, और इनके स्वास्थ्य में भी काफी गिरावट आई है पांच दिन में। लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रशासनिक अधिकारी या सरकार का नुमाइंदा इनकी सुध लेने के लिए और शहर के विकास के लिए अभी तक नहीं आया है। तो हम सभी पार्षदों ने अब एक 4 तारीख को महेंद्रगढ़ बंद का आह्वान किया है, और सभी टेडों से विचार विमर्श करके 4 तारीख बंद का फैसला लिया गया है।